Ну, جناب, просто обед, это сужу такие, не буду спиара. Эмир. कितने लोगों का लिस्ट है आज? ये हज कमेटी और आज ये सास ये तो गेट हुआ हमारे कह रहा तब से 25 को हुआ ना ऑफिसर की तरफ से, हज कमेटी की तरफ से और पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से। तो हमने शायद ही इससे पहले जो है सबका देखा हो कि जो जज किराम आज़मीन हज है तो उनके लिए इस किस्म की सहूलियात फराहम की गई हो, तो ऐसा हमने सबका नहीं देखा है। और हमारा खुद मेरा पासपोर्ट जो एक्सपायर हो रहा था सितंबर में, तो अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी वेरिफिकेशन भी कम्प्लीट हो गई अर्जेंट बेसिस पे और पासपोर्ट भी आज ही डिस्पैच होने वाला है। आप समझते हैं कि इस तरीके की प्रोसेस कार्रवाई आगे भी होनी चाहिए? आगे भी होनी चाहिए ताकि जो आज़मीन हज हैं उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। थैंक यू। आज जो आप यहाँ पे क्राउड देख रहे हैं, इसके लिए हमने ये हमारे हज को जाने वाले एस्पिरेंट्स हैं और इनके लिए हमने 25 फरवरी को 25 फरवरी को हमने एक स्पेशल ड्राइव किया था जिसमें मोर देन 450 एप्लीकेंट्स इन्होंने यहाँ पे शिरकत किया था, जिनका एप्लीकेशन प्रोसेस हमने किया और पुलिस क्लियरेंस के लिए हमने सीआईडी और पुलिस अथॉरिटीज़ को, क्योंकि आपको पता है ना, भेज दिया वहाँ पे, क्योंकि बिना अथॉरिटीज़ के, बिना क्लियरेंस के हम जेएनके में कोई भी पासपोर्ट इशू नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैंने सीआईडी अथॉरिटीज़ को और पुलिस अथॉरिटीज़ को डीओ लिखा कि इनका अर्ली वेरिफिकेशन हमें भेज दीजिए ताकि हम इनको पासपोर्ट इशू कर सकें और वो अपना हज का यात्रा कर सकें। तो पुलिस और सीबीआई अथॉरिटीज़ ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ का जो हज का डिपार्टमेंट है, हज ऑफिस है और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका उनकी सपोर्ट से हम कम से कम मोर देन 400 और 500 के करीब हमें कल सीबीआई ने क्लियरेंस लोगों का दिया, जिसको हमारे जो स्टाफ है रात को 11:30-12 बजे तक उनको प्रिंट किया है, उन जिसका हमने पासपोर्ट प्रिंट कर लिया है, रेडी है, उसका लिस्ट हमने यहाँ डिस्प्ले किया है और वो आ रहे हैं और अपना सीरियल लेके हम उनको पासपोर्ट का डिटेल प्रोवाइड करा रहे हैं। पासपोर्ट को हम स्पीड पोस्ट से उनके शाम को उनका उनके एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कर देंगे और कल तक वो सारा उसको कल या परसों में उनके घर पे पहुंच जाएगा वो।